गाइज, ये हमारे सामने खड़ी है ऑल न्यू TVS रेडर 125, जो कि आप राइट साइड देखे आपको सिंगल सीट वाला वेरिएंट, और इस साइड देखे जो कि आपको स्प्लिट सीट वाला मॉडल है। तो आज मैं इन दोनों ही बाइक के बीच में फुल डिटेल कंपैरिजन करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि दोनों ही बाइक में आपको क्या क्या अंतर देखने को मिलता है, चाहे इस बाइक में आपको प्राइस का अंतर हो, चाहे इसमें आपको क्या क्या फीचर्स में अंतर देखने को मिलेगा। और अभी के टाइम पे अगर आप TVS रेडर को लेना चाहते हैं, क्या आपको स्प्लिट सीट वाला लेना चाहिए या फिर आपको सिंगल सीट की ओर जाना चाहिए, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले इन दोनों ही बाइक के फ्रंट के साथ शुरुआत किया जाए, तो फ्रंट में आपको कोई भी अंतर नहीं देखने को मिलेगा, आपको सेम LED में हेडलाइट सेटअप देखने को मिलता है और यहाँ पे भी आपको LED में DRL लाइट देखने को मिलेंगे। फ्रंट से आपको कोई भी अंतर नहीं, टायर साइज भी जो है वो आपको टोटली सेम देखने को मिलेगा। और दोनों ही बाइक में आपको चार कलर का ऑप्शन देखने को मिलता है, और इन बाइक में जो है वो आपको टोटल तीन वेरियंट देखने को मिलेगा। एक आपको सिंगल सीट वाला, इसमें आपको एक स्प्लिट सीट वाला देखने को मिलता है, साथ साथ इसमें आपको मोबाइल कनेक्टिविटी वाला वेरियंट देखने को मिलेगा। अगर इसके साइड प्रोफाइल की ओर देखा जाए तो आप यहाँ से देख पाएंगे आपको एक ही अंतर देखने को मिलेगा, जो कि इसके सीट में किया गया है। सबसे पहले आप स्प्लिट सीट की ओर देखें तो इसमें आपको दो पीस सीट देखने को मिलता है, आपको टोटली अप डाउन में देखने को मिलेगा, जिससे आपको फैमिली को यहाँ पे आपको बैठाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। ये ज़्यादातर देखा जाए तो आपको अंगस्टर के लिए, आपके लिए बेस्ट होने वाला है। और वहीं आप इसके सिंगल सीट की ओर देखें तो इसमें आपको सिंगल पीस सीट देखने को मिलेगा, और इसका जो चौड़ाई है वो भी आपको ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू आपको स्प्लिट सीट। और यहाँ पे देखिए जिसके अंदर जो सूट का रुई है वो भी आपको अच्छा खासा मिलता है, जिससे आपको बैठने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। दोनों ही बाइक में आपको 124.8 cc का आपको इंजन देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको 11.3 PS का पावर और 11.2 Nm का आपको टॉर्क जनरेट करने वाली है। दोनों ही बाइक में आपको सिंगल बैरल एग्जॉस्ट देखने को मिलता है, और यहाँ से आप इसके रियर साइड को देख पाएंगे, यहाँ से भी आपको टोटली सिमिलर ही देखने को मिलेगा। जो रियर में आपको ड्रम ब्रेक का ऑप्शन दिया गया है, 100x80 सेक्शन का आपको रियर टायर देखने को मिलेंगे, जो कि आपको ट्यूबलेस टायर ही दिया गया है। और वहीं आप इसके मीटर कंसोल की ओर देखा जाए तो ये जो आप वेरिएंट देख रहे हैं, जो कि आपको स्मार्ट एक्स कनेक्ट वाला नहीं है, ये आपको विदाउट ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी आपको फुली डिजिटल में मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है। ऊपर में आपको टैकोमीटर का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर दिखाने वाला है। डिजिटल में आपको क्लॉक का ऑप्शन मिल जाएगा, ये आपको स्पीडोमीटर का ऑप्शन, यहाँ पे आपको साइड स्टैंड का आपको अलार्म दिखाने वाला है। इसमें आपको इको मोड और आपको पावर मोड का बटन देखने को मिलेगा, जो कि आपको यहाँ पे स्विचेस दिया गया है। अभी आप देखें तो आपका इको मोड पे रन कर रहा है, और यहाँ पे आपको फ्यूल गेज का ऑप्शन दिया गया, यहाँ पे आपको ट्रिप ए, आपको ट्रिप बी का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको ओडोमीटर का ऑप्शन दिया गया, और यहाँ पे आपको दो बटन मिलते हैं। और इस वाले बटन को जब आप प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, जो कि ये देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखें जो कि आपको रेंज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, एवरेज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और आपको ट्रिप ए का ऑप्शन दिया गया है। मतलब कि ये बाइक आपको क्या माइलेज दे रही है वो आपको बताने वाली है, और आपके टैंक में कितना ज़्यादा पेट्रोल बचा हुआ है और आप उससे कितने दूरी तक जा सकते हैं, वो भी फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और आप दोनों ही बाइक जो देख रहे हैं, जो कि आपको E20 को सपोर्ट करने वाली है, मतलब कि दोनों ही बाइक का जो इंजन है, जो कि आपको BS6 फेज 2 के साथ देखने को मिलेगा। और यहाँ से भी देख पाएंगे इसका भी मीटर आपको टोटली सिमिलर ही देखने को मिलते हैं। तो मैंने कहा इस दोनों ही बाइक के बीच में जो जो आपको मेन अंतर था वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं बात करता हूँ कि इन दोनों ही बाइक के बीच में जो प्राइस है उसमें आपको कितना अंतर देखने को मिलेगा। जो आपको सिंगल सीट वाला वेरिएंट है, इसका आपको ऑन रोड प्राइस 1,11,000 रुपया रखा गया है, और स्प्लिट सीट वाले के लिए आपको 1,12,000 रुपया रखा गया है। हमारे नियर सिटी शोरूम रांची में आपको स्वास्तिक TVS का मैंने आपको ये प्राइस बताया है। मैं शोरूम का हर एक डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम लोग बात करते हैं कि अभी के टाइम पे आपको लेना कौन सा चाहिए। अगर मेरे हिसाब से माना जाए, अगर आप फैमिली के लिए ले रहे हैं, ज़्यादातर आप फैमिली को बैठा के चलने वाले हैं, तब कोर्स आपके लिए सिंगल सीट वाला वेरिएंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। वहीं आप थोड़े से आप अंगस्टर हैं, आप लड़के के साथ चलने वाले हैं, तो ज़्यादातर आपके लिए स्प्लिट सीट बेटर होने वाला है। आपको कौन सा अच्छा लगा वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा जो ओपिनियन था वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।